नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 27 सितंबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत के साथ आईपीएल 2020 की पॉइंट टेबल में बड़ा उलटफेर हो गया है, वही दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर एक मैच का बैन लग सकता है और उसके अलावा भी यहां पर आईपीएल 2020 से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही। और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप आईपीएल 2020 से जुड़ा हर अपडेट और साथ ही साथ हर मैच की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आईपीएल 2020 के दौरान बहुत सारा इंटरेस्टिंग मसाला देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है कल खेले गए मैच को लेकर। जी हां, कोलकाता और हैदराबाद के बीच कल का मैच खेला गया था, जहां पर योन मॉर्गन और शुभमन गिल की शानदार पारी के चलते कोलकाता ने हैदराबाद के खिलाफ 7 विकेट से बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की थी। हैदराबाद के हार के कारणों की हम यहां पर बात करते तो हैदराबाद की हार का सबसे बड़ा कारण यहां पर रहा इस टीम की ओपनिंग पेयर का फ्लॉप होना, जहां पर शुरुआत में ही जोनी बेस्ट आउट हो गए थे, जिसके बाद यहां पर टीम थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, तो यह रीजन रहा भुवनेश्वर कुमार। जी हां, भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में हमें बिल्कुल भी ढंग का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। बहुत ज्यादा वो इस मैच के दौरान पिटे, जहां पर उनको प्रेशर बनाने की जरूरत थी वहां पर वो लगातार चौके खा रहे थे। उसके बाद तीसरा रीजन है रिद्धिमान साहा। जी हां, रिद्धिमान साहा ने कल के मैच में बहुत ही स्लो बल्लेबाजी की थी, 31 गेंदों में 30 रन बनाए थे और जिस वक्त पर छक्के चौके लगाने की जरूरत थी, जिस वक्त पर उनकी इनिंग का एंड चल रहा था, उस वक्त पर भी रिद्धिमान साहा शॉट नहीं लगा पा रहे थे, जो कहीं ना कहीं हार का बड़ा कारण बने। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे रीजन की, तो यह रीजन रहता है यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी, जहां पर एक तरफ शुरुआत में ही इस टीम को 3 विकेट तो मिल गए थे, लेकिन जो बीच के ओवर्स थे जिस वक्त पर स्पिनर्स को लगाया गया था, स्पिनर्स यहां पर विकेट नहीं निकाल पाए, जिसके चलते यहां पर इस महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 की पॉइंट टेबल को लेकर। जहां कल कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के साथ यहां पर पॉइंट टेबल में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर थोड़ा ऊपर आ गई है, 5वें नंबर पर केकेआर की टीम आ गई है, वही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई है। टॉपर्स के बारे में आप सभी को पता है कि पहले नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरे नंबर पर है किंग्स इलेवन पंजाब, तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस और चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स और वीरेंद्र सहवाग के बीच हुई कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। जी हां, यहां पर आप सभी को पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स पिछले दोनों मैचों में बुरी तरह से हारी है, जिसके बाद यहां पर वीरेंद्र सहवाग ने भी चेन्नई सुपर किंग को लेकर अपना एक स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि फिलहाल चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में कोई खास यहां पर दमखम दिखाई नहीं दे रहा है, अगले मैच में उनको ग्लूकोज लेकर उतरने की जरूरत है। यानी एक तरह से यहां पर चेन्नई सुपर किंग का वीरेंद्र सहवाग ने मजाक बनाया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी हाहाकार मचा हुआ है, जहां पर कुछ लोग सीएसके का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहां पर वीरेंद्र सहवाग का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ने एक बहुत ही शानदार टॉपिक हमें सोशल मीडिया पर दे दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है कि बेंगलोर ने अपना पिछला महामुकाबला पंजाब के खिलाफ खेला था, जहां पर इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उस मैच में इस टीम के कप्तान विराट कोहली पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था, जो स्लो ओवर रेट का था। लेकिन एक और बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है, यदि इस मैच के अलावा 2 और मैचों में स्लो ओवर रेट यहां पर विराट कोहली पर लगता है तो विराट कोहली पर एक मैच का बैन और साथ ही साथ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके अलावा यहां पर 12 लाख रुपए का जुर्माना टीम के ऊपर अलग से लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आज के महामुकाबले को लेकर। जी हां, आईपीएल 2020 में आज का महामुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही शानदार होने वाला यह मैच, हेड टू हेड
हेड कंपैरिजन की बात करते तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा ये दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में अभी तक कुल 19 बार आमने सामने हुई है, जहां पर 10 बार पंजाब की टीम जीत पाई है, 9 बार यहां पर राजस्थान रॉयल्स जीत पाई, यानी बहुत ही तगड़ी और रोमांचक टक्कर हमें इन दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स को लेकर। जी आज के महामुकाबले की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल गई है, क्योंकि जोस बटलर, जी इस टीम के बहुत ही बेहतरीन ओपनर, बल्लेबाज और विकेटकीपर जोस बटलर आज के मैच से अवेलेबल हो गए। और कहीं ना कहीं पिछले मैच में तो इस टीम ने जबरदस्त दमखम दिखाया था और जोस बटलर और यहां पर आ गए, जिसके चलते भाई आज मुझे लग रहा है किंग्सलैंड पंजाब पर संकट के बादल छाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सुरेश रैना की आईपीएल 2020 में वापसी को लेकर। सीएसके को लगातार मिली 2 हार के बाद सोशल मीडिया पर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि सुरेश रैना प्लीज आप आईपीएल में वापसी कर लीजिए। तो इसके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम मैनेजमेंट है सीएसके ऑफिशियल से उन्होंने अपना फाइनल स्टेटमेंट सुना दिया है। जी हां, उन्होंने ऐसा कहा है कि फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स टीम सुरेश रैना की वापसी के लिए किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं कर रही है। निश्चय यह साफ हो चुका है कि आईपीएल 2020 में हमें सुरेश रैना खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स को लेकर और आरआर फैंस को यह खबर काफी ज्यादा निराश करने वाली है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो काफी खराब है। जी हां, रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि बेन स्टोक्स के जो फादर हैं उनकी हालत फिलहाल काफी ज्यादा खराब है, जिसके चलते अब ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2020 के पूरे सीजन को बेन स्टोक्स मिस करने वाले हैं। बेन स्टोक्स को काफी हाई अमाउंट देकर यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने बाय किया था, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को यह भी एक तगड़ा झटका लग गया है। तो दोस्तों, ये आज 27 सितंबर 2020 की आईपीएल 2020 से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।